स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बोले, कोविड वैक्सीन को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। समाज के एक वर्ग में वैक्सीन को लेकर पैदा हो रही है हिचक। कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले 5 दिनों में 8 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि टीका लगवाने के बाद 4 लोगों की हुई मौत, लेकिन वजह वैक्सीन नहीं। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा। दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर परेड निकालना चाहते हैं किसान, पुलिस इजाजत देने को तैयार नहीं। गुरुवार को सेंसेक्स ने पहली बार छुआ 50,000 का आंकड़ा। निफ्टी भी 14,700 के पार। दुनिया भर में कोरोना की धीमी पड़ी रफ्तार है बड़ी वजह। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन ने ली शपथ। बोले, धर्म, जाति, नस्ल, रंग की पहचान को परे रखकर बनूंगा हर अमेरिकी का राष्ट्रपति। कमला हैरिस बनी अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति। अपने पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप के मुस्लिम ट्रैवल बैन से लेकर पेरिस जलवायु समझौते से बाहर जाने तक के फैसले पलटे। अमेरिकियों के लिए मास्क पहनना किया अनिवार्य। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद छोड़ने के पहले अपने समधि और कुछ पूर्व रणनीतिकार सहयोगियों सहित 143 दोष सिद्ध अपराधियों को दिया क्षमादान। पद के दुरुपयोग का लगा आरोप। और हिमालयी हवाओं ने उत्तर भारत में बढ़ाई ठंड। दिल्ली और एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ेगी ठिठुरन। अगले 3 दिन तक कोई राहत नहीं।